है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ये व्यापारी लोग है, बोनस सीखे। ये दयोदय की एकमात्र कृपा है, ये अच्छे ढंग से मांगना भी सीखे। और ये गृहस्थों से पैसा निकालना भी सीख गए, तभी तो ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा है। आचार्य कुंद देव ने क्या कहा हम लोगों के लिए, अट्टे अजदा गयनम करुणा भावो ये मनो ये त्रिये सु विषय स्वप्रसंगो मोह ईदानी मोहस्य लिंगानी। यह प्रवचन सार की प्रिय गाथा है। इस गाथा में हम लोगों के आवश्यक कार्य कर्तव्य का दिग्दर्शन किया है। किसी भी वस्तु की वो दृष्टिपात हो जाए तो उसके सही स्वरूप का ही एकमात्र हम दर्शन करें। उसमें न मेरा न तेरा न और किसी का, किंतु वह वस्तु अनादिकाल से है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना। यदि नहीं करते हैं, ये मोह का लक्षण होता है। दूसरे चरण में उन्होंने कहा, ये करुणा भाव ये मनुतिरियेसु, चारों गतियों में जीव भरे हुए हैं, किंतु इस पद को केवल मनुष्य और तिरियंचों के लिए ही दिया है, और उसमें मनुष्य और तिरियंचों के प्रति दया का न होना एक प्रकार से मोह का चिन्ह है, मोह का लक्षण है। और यह भोग भूमि नहीं है, यह कर्म भूमि आप लोगों को उपलब्ध है। भोग भूमि मिलते हैं पुण्य के खर्च के कारण, जो हमने किया अतीत में उसका उपभोग करने के लिए मिलता है। फिर इसके उपरांत अवशिष्ट पुण्य और रह जाता है, तो उसके लिए सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक जा करके अथवा भवनत्रिक में रह करके इसको पूर्ण किया जाता है। किंतु ध्यान रहे, इसके उपरांत भी उन्होंने कहा, विषयों में जो रचना पचना होता है, इसके लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता, किंतु इसको विषयों से ऊपर उठ करके ही हम रहेंगे, अनासक्त भाव के साथ रहेंगे, निश्चित रूप से हमारे द्वारा मोह का हनन हो जाएगा और मोह का त्याग हो जाएगा। यदि नहीं होता, इससे विपरीत हमारी बात होती है, निश्चित है कि हमारे लिए अब कोई बचावनहारा शेष नहीं रहता। इसलिए विशेष रूप से विषयों को और कषायों को नियंत्रण में रखते हुए पशु और पक्षी और मनुष्य की रक्षा करना यह मानव का परम कर्तव्य है। मानव ही एकमात्र इसको कर्म करता है ऐसा नहीं, पशु और पक्षी भी इसको करते रहते हैं। आज तक कोई भी पक्षी ने आकर के ये नहीं कहा कि हमारे लिए नीड़ और घोंसला बनाने के लिए थोड़ा आर्थिक सहयोग दे। ताले काहे के लिए बन जाए, क्या ये पंक्ति क्यों कही गई? ये तो कर्तव्य में आना चाहिए था। आज तक किसी भी पक्षी, कोई भी पक्षी बिना घोंसला के नहीं रहा, और मैं ऐसे भी पक्षी हो सकते हैं जो इस काम को नहीं कर सकते, लेकिन अड़ोस पड़ोस के पक्षियों ने उनके घोंसले ऐसे बना रखे हैं और ऐसे बना रखे, आज के इंजीनियर मुंह देखते रह जाएंगे।
उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे धूप नहीं जा सकती, सर्दी घुस नहीं सकती, और लू के समय पर छन छन करके कूलर के काम करते रहते हैं और वो आराम लेते रहते हैं और आप इधर उधर की बातें करते रहते हैं। अब बताओ आपके घर में कोई पक्षी आकर के कई रात में रहने का प्रयास किया नहीं किया? आपके घर में रह करके भी वो अपना ही नीड बनाता है, अपना ही घोंसला बनाता है कि हम कभी भी पराजित नहीं होना चाहते। आप जो रहे दूसरे के घर में घुस जाते, नहीं समझे 20-21 वर्ष हो गए कि हमारे घर है, जाओ वहां बाहर जाओ बाहर जाओ। ये कानून के माध्यम से आप उसको अपने हथियाते हो, फिर भी कहते हैं हम दया धर्म के मूल रक्षक, काहे के मूल रक्षक, अपने कर्तव्य का रक्षण नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? कभी भी वो मांगा नहीं उसने आज हम भूखे हैं, नहीं, कभी भी वो नहीं मांगा हम प्यासे हैं, ढूंढते हैं, प्यास बुझाते हैं और उसका रक्षण भी करते हैं। यदि मान लो बहुत गर्मी पड़ने वाली है तो वह उससे पूर्व में ही उन स्थानों में जाकर के रहते हैं, जैसे आप कश्मीर वगैरह ढूंढते हो, नहीं समझे, उसमें वो अपने आप ही वहाँ पर जाते हैं, निर्वाह करते हैं। वर्षा के समय पर जहाँ पर पानी जाता हो जाता है उससे भी बचने के लिए अन्य कोई भी स्थान है जहाँ पर पानी की कमी रहती है, यानी वर्षा कम होती है, वहाँ पर रह जाते हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने किसी के लिए भारमय जीवन नहीं बनाया और आप लोग कभी भी सोचते नहीं। इसीलिए कुंद कुंद देव ने कहा वे इनकी कृपा के पात्र होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चार चार पांच जो सम्यक दर्शन के अंग बताए हैं, गुण बताए हैं, उनमें एक अनुकंपा को भी विशेष रूप से रखा है। यदि हम दुखियों को देख करके अनुकंपा का अनुभव नहीं करते हैं तो हमारे जीवन काय के लिए। जो ऐसे पशु पक्षी भी आपके घर में रहते हैं तो भी आपके बारे में वो हमेशा हमेशा और कुछ भी नहीं देते, फिर भी आप लोगों के लिए दुआ अवश्य देते रहते हैं। और आप उनको दवाया पानी तक नहीं देना चाहते हो, ये ठीक नहीं है। मेहमान आते हैं तो उसके लिए आप व्यंजन बनाते हैं, वो कभी व्यंजन नहीं छा पाते। अब त्योहार बनाओ और त्योहार के दिनों में आप व्यंजन बना बगैर खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं आप व्यंजन कर लो, हम स्वर में ही संतुष्ट है और वह चारा ही खा लेते हैं। और आ जाओ आपके लिए मीठा दूध ले लो। कभी सोचा आप लोग ने, कभी सोचा नहीं? दूध के भी आप क्या क्या व्यंजन बना सकते हैं, बना तो लो। एक आध बार एक गैया को देते हो क्या? नहीं, वो कहता नहीं, हमारा ये संकल्प है हम रूखे सूखे खाएंगे, लेकिन अवश्य अड़ोस पड़ोस को और मालिक को अवश्य ही मीठा खिला करके ही संतुष्टि का अनुभव करेंगे। क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें यह बोध हुआ है और अवश्य वो करेंगे। और आपके घर में रह करके भी जब आपके यहाँ कोई भी मान लो चला जाता है तो वो भी भोजन करने के लिए कभी राजी नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने उस दिन अपने आप को दुखी बना तो वह भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे भी पशु पक्षी होते हैं जिनके आंखों में से आंसू धारा आती रहती है, ये पहचानने की बात है। ये दुखी है और हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? हमेशा हमेशा उन्होंने दुख के दिनों में भी संकट में भी कभी भी ये नहीं किया, बहुत अच्छा है। हमें यहाँ पर बिना कुछ काम किए हमारा संरक्षण हो रहा है
और आप जो धर्म करते हैं उसी प्रकार वे भी धर्म करते रहते हैं, ये बात अलग है। आप धर्म की परिभाषा ज़्यादा जानते हैं और वह भाव मात्र जानते हैं, ऐसे जानते हैं निश्चित रूप से सोने सोने स्वर्ग तक भी आपके साथ पीछे पीछे हो जाते हैं। तुम कैसे आ गए? आपकी कृपा से हम भी आ गए। जब वो निकाल खोल करके देखते हैं कि कौन सी कृपा, हमने तो कुछ किए नहीं थे। नहीं, आपको देख करके हमने तो धर्म सीखा, उसकी महिमा यह है। अब जब आप जैसे हम भी मनुष्य बनेंगे तो फिर तो कहना ही क्या, हम भी आपके साथ साथ जहाँ आप जाएंगे वहीं पर आप जाएंगे, मोक्ष जाएंगे हम भी जाएंगे, क्या बात हो गई। पर्याय तो पर्याय होती है, भगवान ने कहा इस पर्याय को नक्षवर है, इसको यदि शाश्वत बनाना चाहते हो तो धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ। इस प्रकार आप लोगों के लिए हमने, हम और कुछ दे नहीं सकते, लेकिन त्याग धर्म के दिन अवश्य आपके लिए ये दिन हम त्याग करके दे देते हैं। ज़्यादा इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपने समय का आज बहुत ही अच्छा उपयोग किया, ऐसे ही आगे भी करते रहें। ज़्यादा विषय को घंटों तक न लेकर के मिनटों में भी निपटाया जा सकता। ऐसे भी अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष है वो अपने जीवन में कभी भी बोलना नहीं जानते थे और कह भी देते हैं हम बोलना नहीं जानते। अरे वो बैंक में काम करते थे, बैंक में बोलने का नियम नहीं रहता, बोलने के बिना नहीं समझे। अब उनको कहा अब अवकाश प्राप्त हो गया आपको, अब वो गवर्नमेंट आपके लिए जीवन पर्यंत के लिए प्रबंध कर रही है, यहाँ पर गौशाला में कुछ विशेष दे तो दो। तो उनको समझ में आ गया बैठे बैठे क्या करना मुझे, आज उसका उपयोग हुआ और यह दयोदय महासंघ के लिए वे आज अपने पद को संभाल करके खूब घूम रहे हैं। दो तीन बार जा करके उस कलकत्ता को भी पार करके बंगाल, जो विदेश में ही जाना पड़ता है, वहाँ पर भी जा करके सूक्ष्म दृष्टि से उस सारे सारे का अध्ययन करके और यहाँ पर प्रस्तुत कर दें। यहाँ के लोगों ने भी, वहाँ के लोगों ने भी, जहाँ कहीं से भी मालूम पड़ा वहाँ के लोगों ने इसका प्रबंधन करके आज 15,000 तक पशुओं का वहाँ संरक्षण का प्रबंध करके आए हैं। यह आप लोगों के सहयोग का ही परिणाम है। इसी प्रकार आप सहयोग देंगे तो छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े काम भी यूं चुटकी बजाते हो सकते हैं। इस चुटकी में बहुत चमत्कार है, लेकिन ये ध्यान रखो, तब कहते हैं महाराज हम तो इसको चुटकी बजाते बजाते काम कर देंगे, और आप इधर उधर के गप्पा खा खा बैठो जो गप्पा में, तो समय हम चुटकी ले लेते हैं। आप तो इधर उधर की बातें करते हो चुटकी भी लेते हो, और ये बातें नहीं कर रहे हैं, ये वो बातें कर रहे हैं जो हमेशा के लिए एक प्रेरणादायी है। सब सुन करके हमें ऐसा लगा है कि ऐसा आपको हो रहा है कि हम पूरा पूरा ही त्याग कर रहे हैं। अरे पूरे करने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा करते जा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा नहीं, इसमें सब लोगों की भावना छुपी हुई रहती है, और वो भावना के द्वारा जो कार्य होता है वो अन्य किसी भी साधन के द्वारा नहीं होता है। इतने सारे सारे लोग भाव भाव करेंगे तो कार्य कहेगा तो भाई यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा। सही भावों का ही साधन माना जाता है, भावों में ही साधन को सिद्ध करने की क्षमता विद्यमान रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं साधक तमो करणम, करण वह है जो साधक तम होता है, साध्य को दिखा करके ही रहता है। साध्य की सिद्धि यदि करना चाहते हो अवश्य ये काम कर सकते हैं, चतुर्मुखी होकर के आपको काम करना चाहिए। हमारे भगवान एक मुख होते हुए भी चार मुख वाले होते हैं,
और आप कम से कम एक मुखवार में हो करके गोमुख की ओर तो कम से कम देखो, वो क्या कह रहे हैं। और तुम्हारे पास मुख है, बोलने की क्षमता है, हम तो बोल नहीं सकते लेकिन आपको जागृत तो कर सकते हैं कि आपका कर्तव्य रुकना नहीं चाहिए और हमेशा हमेशा साथ दिया। वृषभनाथ भगवान के पूर्व में ही यह गायों की स्थापना हुई थी। क्या कह रहे हैं, वृषभनाथ भगवान तो बाद में, किंतु उससे पूर्व में क्षेमंकर नाम के जो कुलकर हुए हैं उस समय उन्होंने ये कहा कि ये ध्यान रखो, ये जो पशु हैं अथवा मृग हैं जो कि हिंसक भी हैं, इसलिए इनसे बचने के लिए आप गायों का पालन करो और इनकी भी रक्षा करो और एक लठिया रख लो, इतना ही पर्याप्त था। उस लठिया को देख करके कहते हैं ये मेरे लिए व्यवस्था की जा रही है, मुझे इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार गायों का पालन करने के लिए वृषभनाथ भगवान ने अपने से पूर्व में ही ये करवाया था। और आज ये भी सुनते हैं जैनियों के यहाँ पशुपालन का कार्य नहीं होता, उन्हें जैन और जैनी इतिहास अवश्य पढ़ लेना चाहिए और आपको बताना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। क्योंकि यदि राष्ट्र का बचाव यदि है तो निश्चित है जब तक कृषि नहीं की जाएगी राष्ट्र का संरक्षण संभव नहीं, और कृषि के लिए जब तक पशुओं का संरक्षण नहीं करोगे तब तक वह खाद वगैरह नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम विदेश से मंगा लेंगे। अरे मंगा नहीं सकते, विदेश को जनता को भगाना पड़ेगा और ये हो रहा है। आज महा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, यूरिया वगैरह खा रहे हैं और दूध भी आपके लिए नसीब से यूरिया ही डला हुआ मिल रहा बताते हैं। सिंथेटिक दूध पी कर पी रहे स्वयं हो और उसी प्रकार गरीबों के भी पिला रहे हो और अपने बच्चों के लिए भी जहाँ अमृत मिलना था वहाँ पर आप जहर पिला रहे हो और कहते महाराज आशीर्वाद दे दो। ऐसे व्यक्ति को मैं आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, ये तो कम से कम देख लो। वनस्पति खाने वाले वो पशु भी हमेशा हमेशा परीक्षण करके फिर बाद में खाती है, और आप परीक्षा तो छोड़ दो सप्लीमेंट्री तक नहीं आ रही आपके, क्या हो रहे हैं फिर हो रहे हैं, ऐसे रोग हो रहे हैं और विदेश के सामने रख रहे हैं, हमारे लिए औषध ध्यान दे दो। अब पूर्णाई के पास जाओ फिर देख लो क्या होता है, कुछ भी नहीं है काम करना, लेकिन आप पथ्य के अनुसार चलो, खाने योग्य चीज का सेवन करो और पीने योग्य इनका पान करो, फिर इसके उपरांत देख लो क्या नहीं होता। आज सारे सारे औषधियों में भी ये मिश्रण आ गया है, ये कहा जा रहा है यह रोग नकली है और इसके ठीक नहीं होता औषध से, यह औषध से नहीं ठीक होता लेकिन फिर भी नकली था वह रोग इसलिए ठीक। अरे नकली होता है तो वो कैसे ठीक हो सकता, असली दवाई नहीं है इसलिए भी बीमार पड़ जाता मर जाता, सही है तो भी बढ़ जाता। ऐसे जमाना औषध को भी व्यवसाय का साधन बनाने वाला भारत विश्व में अग्रणी है। यहाँ पर सभी प्रकार की दवाएं बिकती रहती है, दवाई कहने के लिए है, फिर भी आप आंख मेच करके विदेश में जिन दवाएं के ऊपर बंदिश कर रखा है वो यहाँ पर धड़ल्ले से आप ही लोगों के दुकान में बिक रही है। कहाँ जा रही हो दवाइयाँ, खाने में थोड़ी आती है, दवाई के रूप में काम कर रही है। इस प्रकार भारत को चारों तरफ से पीसा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, शोषण सूक्ष्म बनाया जा रहा है और आपको अभी तक बुद्धि आई नहीं। अब समझ में आ रहा है सरकार को ये ठीक नहीं किया हमने, तो इसलिए यदि सही खाद मिलेगी सही आपको अन्न मिलेगा, सही अन्न मिलेगा पुष्टि आएगी,
और मटी आपके अच्छी काम करेगी और आरोग्य का संरक्षण होगा, दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं है तो 2025 से 30 तक उन्होंने कहा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक या दो महामारी के माध्यम से पीड़ित होंगे। अब सोचो तो क्या है, ये विज्ञान का सर्वे है, ये गलत नहीं हो सकता। दवाइयों के बारे में बहुत आप लोगों को होशियारी रखनी होगी, नहीं तो शुद्ध जल भी पियोगे तो भी वह रोग ठीक हो सकता, क्योंकि जल भी एक प्रकार से जीवन है। जल ही जब जीवन है तो दवाई की क्या आवश्यकता पड़ती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को दवाई कभी देना नहीं चाहिए, ऐसा एक सर्वे हुआ, क्योंकि इसके पास क्षमता रहती है। उसको समय पर भोजन पानी शुद्ध दे जा करो। आज यह कोई भी ख्याल नहीं है, कुछ भी आप खिला रहे हैं और कुछ भी आप पूछ नहीं रहे हैं। जैसे पंजाब में सुनते हैं ऐसे ऐसे दवाइयाँ युवा और युवक युवतियाँ खा रहे हैं जिसके द्वारा पागल जैसे हो रहे हैं, विक्षिप्त तो हो रहे हैं। उनके लिए कोई भी वह अमृत में उसको पिला दो तो वह खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका वह लत पड़ गई है और ऐसे वह सब बच्चे पागल जैसे हो रहे हैं। ऐसा यदि चाहते हो तो देख लो आप क्या होगा। अपने बच्चों को तो संपदा मान करके उनकी रक्षा करो, उनकी रक्षा के लिए अच्छे से अच्छे पदार्थों का सेवन करवाओ और उनको इधर उधर के संस्कारों से बचाओ। यदि आप धर्म की बात यहाँ पर और कुछ दिन तक करना चाहते हो तो यदि आप उसकी जीवित धर्म की उपासना करना चाहते हो, यह आपका कर्तव्य है। पर्व चल रहा है, पर्व के बीच में ही आज का यह समय का उपयोग दयोदय एक संस्था है, एक आप ही लोगों के सेवकों का, और उसमें एक काम करने वाले आते हैं प्राय करके, मांगने के नहीं आते हैं, वह एक वर्ष के लिए काम करने के लिए जी ले जाते हैं और काम करके आ जाते हैं, अगले साल का वह काम और लेकर के चले जाते हैं, मुनाफा आपके सामने रख देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की बोली, समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मा उपलब्धि शिव सम की सिद्धि, चिंता मणि चिंतित वस्तु दानी त्वा मंद मानस्य मास्तु। श्री प्रमोद जी हिमांशु भोपाल ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 20 गायों की संरक्षण की घोषणा की है, स्वयं अपनी गोडाउन पर रखेंगे। इस संतोष कुमार जी कारी वाले भोपाल 1,51,000 रुपए। श्री सुनील भैया जी द्वारा भी पश्चिम बंगाल के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराई गई थी। अभी तुम पढ़ दो यार। अभी जो हमारे लिए आजीवन सहयोग हमारा संरक्षण हो रहा है और आप जो धर्म करते हैं उसी प्रकार वे भी धर्म करते रहते हैं, ये बात अलग है। आप धर्म की परिभाषा ज्यादा जानते हैं और वह भाव मात्र जानते हैं, ऐसे जानते हैं निश्चित रूप से सोने सोने स्वर्ग तक भी आपके साथ पीछे पीछे हो जाते हैं। तुम कैसे आ गए, आपकी कृपा से हम भी आ गए। जब वो रिकॉर्ड खोल करके देखते हैं कि कौन सी कृपा, हमने तो कुछ किए नहीं थे, नहीं आपको देख करके हमने तो धर्म सीखा, उसकी महिमा यह है। अब जब आप जैसे हम भी मनुष्य बनेंगे तो फिर तो कहना ही क्या, हम भी आपके साथ साथ जहां आप जाएंगे वहीं पर हम जाएंगे, मोक्ष जाएंगे हम भी जाएंगे, क्या बात हो गई। पर्याय तो पर्याय होती है, भगवान ने कहा इस पर्याय को नक्षवर है, इसको यदि साक्षर बनाना चाहते हो तो धर्म के मार्ग पर आरूढ़ हो जाओ। इस प्रकार
आप लोगों के लिए हमने हम और कुछ दे नहीं सकते, लेकिन त्याग धर्म के दिन अवश्य आपके लिए ये दिन हम त्याग करके दे देते हैं। ज़्यादा इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपने समय का आज बहुत ही अच्छा उपयोग किया, ऐसे ही आगे भी करते रहें। ज़्यादा विषय को घंटों तक न लेकर के मिनटों में भी निपटाया जा सकता। ऐसे ही अध्यक्ष हैं, जो अध्यक्ष है वो अपने जीवन में कभी भी बोलना नहीं जानते थे और कह भी देते हैं हम बोलना नहीं जानते। अरे वो बैंक में काम करते थे, बैंक में बोलने का नियम नहीं रहता है, बोलने के बिना नहीं समझे। अब उनको कहा अब अवकाश प्राप्त हो गया आपको, अब वो गवर्नमेंट आपके लिए जीवन पर्यंत के लिए प्रबंध कर रही है, यहाँ पर गौशाला में कुछ विशेष दे दो। तो उनको समझ में आ गया बैठे बैठे क्या करना मुझे, आज उसका उपयोग हुआ और यह दयोदय महासंघ के लिए वे आज अपने पद को संभाल करके खूब घूम रहे हैं। दो तीन बार जा करके उस कलकत्ता को भी पार करके बंगाल जो विदेश में ही जाना पड़ता है वहाँ पर भी जा करके सूक्ष्म दृष्टि से उस सारे सारे का अध्ययन करके और यहाँ पर प्रस्तुत कर दें। यहाँ के लोगों ने भी वहाँ के लोगों ने भी जहाँ कहीं से भी मालूम पड़ा वहाँ के लोगों ने इसका प्रबंधन करके आज 15,000 तक पशुओं का वहाँ संरक्षण का प्रबंध करके आए हैं। यह आप लोगों के सहयोग का ही परिणाम है। इसी प्रकार आप सहयोग देंगे तो छोटे छोटे नहीं बहुत बड़े काम भी यूं चुटकी बजाते हो सकते हैं। इस चुटकी में बहुत चमत्कार है, लेकिन ये ध्यान रखो तब कहते हैं महाराज हम तो इसको चुटकी बजाते बजाते काम कर देंगे। अब आप इधर उधर के गप्पा खा खा बैठो, जो गप्पा में तो समय हम चुटकी ले लेते हैं। आप तो इधर उधर की बातें करते हो चुटकी भी लेते हो, और ये बातें नहीं कर रहे हैं, ये वो बातें कर रहे हैं जो हमेशा के लिए एक प्रेरणादायी है। सब सुन करके हमें ऐसा लगा है कि ऐसा आपको हो रहा है कि हम पूरा पूरा ही त्याग कर रहे हैं। अरे पूरे करने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा थोड़ा करते जा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हाँ थोड़ा नहीं, इसमें सब लोगों की भावना छुपी हुई रहती है और वो भावना के द्वारा कार्य होता है, वो अन्य किसी भी साधन के द्वारा नहीं होता है। इतने सारे सारे लोग भाव भाव करेंगे तो कार्य कहेगा तो भाई यहाँ नहीं होगा तो और कहाँ होगा। सही भावों का ही साधन माना जाता है, भावों में ही साधन को सिद्ध करने की क्षमता विद्यमान रहती है। इसलिए आचार्य कहते हैं साधक तम करणम, करण वह है जो साधक तम होता है, साध्य को दिखा करके ही रहता है। साध्य की सिद्धि यदि करना चाहते हो अवश्य ये काम कर सकते हैं, चतुर्मुखी होकर के आपको काम करना चाहिए। हमारे भगवान एक मुख होते हुए भी चार मुख वाले होते हैं, और आप कम से कम एक मुख वाले हो करके गोमुख की ओर तो कम से कम देखो वो क्या कह रहे हैं। और तुम्हारे पास मुख है, बोलने की क्षमता है, हम तो बोल नहीं सकते लेकिन आपको जागृत तो कर सकते हैं कि आपका कर्तव्य रुकना नहीं चाहिए और हमेशा हमेशा साथ दिया। वृषभनाथ भगवान के पूर्व में ही यह गायों की स्थापना हुई थी। क्या कह रहे हैं, वृषभनाथ भगवान तो बाद में, किंतु उससे पूर्व में क्षेमंकर नाम के जो कुलकर हुए हैं उस समय उन्होंने ये कहा कि ये ध्यान रखो ये जो पशु हैं अथवा मृग हैं जो कि हिंसा कभी है, इसलिए इनसे बचने के लिए आप गायों का पालन करो और इनकी भी रक्षा करो और एक लठिया रख लो। इतना ही पर्याप्त था, उस लठिया को देख करके कहते हैं ये मेरे लिए व्यवस्था की जा रही है।
मुझे इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार गायों का पालन करने के लिए ऋषिनाथ भगवान ने अपने से पूर्व ही यह करवाया था। और आज ये भी सुनते हैं जैनियों के यहाँ पशुपालन का कार्य नहीं होता, उन्हें जैन और जैनी इतिहास अवश्य पढ़ लेना चाहिए और आपको बताना नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। क्योंकि यदि राष्ट्र का बचाव यदि है तो निश्चित है जब तक कृषि नहीं की जाएगी राष्ट्र का संरक्षण संभव नहीं। और कृषि के लिए जब तक पशुओं का संरक्षण नहीं करोगे तब तक वह खाद वगैरह नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हम विदेश से मंगा लेंगे। अरे मंगा नहीं सकते, विदेश को जनता को भुआ को भगाना पड़ेगा। और ये हो रहा है, आज महा महा रोग उत्पन्न हो रहे हैं, यूरिया वगैरह खा रहे हैं और दूध भी आपके लिए नसीब से यूरिया ही डला हुआ मिल रहा बताते हैं। सिंथेटिक दूध पी कर पी रहे स्वयं हो और उसी प्रकार गरीबों के भी पिला रहे हो और अपने बच्चों के लिए भी जहाँ अमृत मिलना था वहाँ पर आप जहर पिला रहे हो और कहते महाराज आशीर्वाद दे दो। ऐसे व्यक्ति को मैं आशीर्वाद कैसे दे सकता हूँ, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, ये तो कम से कम देख लो। वनस्पति खाने वाले पशु भी हमेशा हमेशा परीक्षण करके फिर बाद में खाती है और आप परीक्षा तो छोड़ दो, सप्लीमेंट्री तक नहीं आ रही आपके, क्या हो रहे हैं फिर हो रहे हैं, ऐसे रोग हो रहे हैं और विदेश के सामने रख रहे हैं हमारे लिए औषध ध्यान दे दो। अब पूर्णाई के पास जाओ फिर देख लो क्या होता है, कुछ भी नहीं है काम करना, लेकिन आप पथ्य के अनुसार चलो, खाने योग्य चीज का सेवन करो और पीने योग्य इनका पान करो, फिर इसके उपरांत देख लो क्या नहीं होता। आज सारे सारे औषधियों में भी ये मिश्रण आ गया है, ये कहा जा रहा है यह रोग नकली है और इसके ठीक नहीं होता औषध से, यह औषध से नहीं ठीक होता लेकिन फिर भी नकली था वह रोग इसलिए ठीक। अरे नकली होता है तो वो कैसे ठीक हो सकता, असली दवाई नहीं है इसलिए भी बीमार पड़ जाता मर जाता, सही है तो भी बढ़ जाता। ऐसे जमाना औषध को भी व्यवसाय का साधन बनाने वाला भारत विश्व में अग्रणी है, यहाँ पर सभी प्रकार की दवाएं बिकती रहती है, दवाई कहने के लिए है फिर भी आप आंख मेच करके विदेश में जिन दवाएं के ऊपर बंदिश कर रखा है वो यहाँ पर धड़ल्ले से आप ही लोगों के दुकान में बिक रही है। कहाँ जा रही हैं वो दवाइयाँ, खाने में थोड़ी आती है, दवाई के रूप में काम कर रही है। इस प्रकार भारत को चारों तरफ से पीसा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, सूक्ष्म बनाया जा रहा है और आपको अभी तक बुद्धि आई नहीं। अब समझ में आ रहा है सरकार को ये ठीक नहीं किया हमने, तो इसलिए यदि सही खाद मिलेगी सही आपको अन्न मिलेगा, सही अन्न मिलेगा पुष्टि आएगी और मटी आपके अच्छी काम करेगी और आरोग्य का संरक्षण होगा, दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं है तो 2025 से 30 तक उन्होंने कहा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक या दो महामारी के माध्यम से पीड़ित होंगे। अब सोचो तो क्या है, ये विज्ञान का सर्वे है, ये गलत नहीं हो सकता। दवाइयों के बारे में बहुत आप लोगों को होशियारी रखनी होगी, नहीं तो शुद्ध जल भी पियोगे तो भी वह रोग ठीक हो सकता, क्योंकि जल भी एक प्रकार से जीवन है, जल ही जब जीवन है तो दवाई की क्या आवश्यकता पड़ती है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को दवाई कभी देना नहीं चाहिए, ऐसा एक सर्वे हुआ, क्योंकि इसके पास क्षमता रहती है, उसको समय पर भोजन पानी शुद्ध दे दिया करो। आज यह कोई भी ख्याल नहीं है, कुछ भी आप खिला रहे हैं और कुछ भी आप पूछ नहीं रहे, जैसे
पंजाब में सुनते हैं ऐसे ऐसे दवाइयां युवा और युवक युवतियां खा रहे हैं जिसके द्वारा पागल जैसे हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं। उनके लिए कोई भी वह अमृत में उसको पिला दो तो वह खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका वह लत पड़ गई है और ऐसे वह सब बच्चे पागल जैसे हो रहे हैं। ऐसा यदि चाहते हो तो देख लो आप क्या होगा। अपने बच्चों को तो संपदा मान करके उनकी रक्षा करो, उनकी रक्षा के लिए अच्छे से अच्छे पदार्थों का सेवन करवाओ और उनको इधर उधर के संस्कारों से बचाओ। यदि आप धर्म की बात यहाँ पर और कुछ दिन तक करना चाहते हो तो यदि आप उसके जीवित धर्म की उपासना करना चाहते हो यह आपका कर्तव्य है। पर्व चल रहा है, पर्व के बीच में ही आज का यह समय का उपयोग दयोदय एक संस्था है, एक आप ही लोगों के सेवकों का, और उसमें काम करने वाले आते हैं प्राय करके, मांगने के नहीं आते हैं, वह एक वर्ष के लिए काम करने के लिए जी ले जाते हैं और काम करके आ जाते हैं, अगले साल का वह काम और लेकर के चले जाते हैं, मुनाफा आपके सामने रख देते हैं। अहिंसा परमो धर्म की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसों की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वामंद मानस्य ममास्तु। श्री प्रमोद जी हिमांशु भोपाल ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 20 गायों की संरक्षण की घोषणा की है, स्वयं अपनी गोडाउन पर रखेंगे। इस संतोष कुमार जी कारी वाले भोपाल 1,51,000 रुपए, श्री सुनील भैया जी द्वारा भी पश्चिम बंगाल के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध कराई गई थी। अभी तुम पढ़ दो यार। अभी जो हमारे लिए आजीवन सहयोग